अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ इन होम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 7 ऑफ मैथ्स क्लास K1, सब्जेक्ट मैथ्स, लेक्चर नंबर 7, बुक वर्क, बुक पेज नंबर 54 to 58। बुक पेज नंबर 54, लेसन 13, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर यानी पहले, आफ्टर बाद में। ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर अ गिवन नंबर। इस पेज पर हम दिए गए नंबर से पहले आने वाले नंबर की शनाख्त करेंगे और इसी तरह से दिए गए गिवन नंबर के बाद में आने वाले नंबर्स की शनाख्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले आने वाले नंबर्स के लिए बिफोर का वर्ड यूज़ किया गया है, जबकि बाद में आने वालों के लिए आफ्टर का वर्ड यूज़ किया गया है। कैन यू सी, क्या आप ये देख सकते हैं? कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी गई हैं जिनके थ्रू हम सीखते हैं कि बिफोर और आफ्टर का क्या काम है। वन इज बिफोर टू, वन टू से पहले आता है। जैसे कि हम काउंटिंग इन ऑर्डर जब पढ़ते हैं तो वन पहले आता है और टू बाद में आता है। 24 इज बिफोर 25, 24 25 से पहले आता है। 39 इज बिफोर 40, इसी तरह से 39 40 से पहले आता है। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि बिफोर की थी। अब हम आफ्टर को देखते हैं। 7 इज आफ्टर 6, जी 6 के बाद क्या आता है? 7, इसलिए यहाँ पर आफ्टर का वर्ड यूज़ किया गया है। 81 इज आफ्टर 80, जब हम काउंटिंग इन ऑर्डर पढ़ते हैं तो 80 के बाद क्या आता है? 81। 99 इज आफ्टर 98, इसी तरह से 98 के बाद 99 आता है। स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 55, एक्सरसाइज, कलर द व्हील ऑफ करेक्ट नंबर दैट कम्स बिफोर। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कलरफुल कार्स नज़र आ रही हैं और कलरफुल कार्स के अंदर कुछ नंबर दिए गए हैं जिसमें हमने बिफोर फाइंड करना है। इसमें कुछ सर्कल दिए हुए हैं जो कि कार के व्हील्स हैं। आपने करना ये है कि जो बिफोर वाला नंबर है उसके सर्कल में अच्छे से कलर करना है। कलर अच्छे करने हैं आपने, कलर बाहर सर्कल से नहीं निकालना है। जिस तरह से ये पहला आपके लिए डन किया गया है, इसी तरह से आपने बाकी के भी सब सर्कल्स में कलर करना है। जैसे कि आप मेरे साथ साथ कलर कर सकते हैं। बिफोर टू, टू से पहले क्या आता है? 3 या 1? ऑब्वियसली 1 आता है, इसलिए 1 के ऊपर हमने कलर किया हुआ है। बिफोर 3, 3 से पहले क्या आता है? 4 या 2? जी 3 से पहले आता है 2, इसलिए हम 2 के सर्कल में कलर करेंगे। बिफोर 5, 5 से पहले क्या आता है? 4 या 3? 4, इसलिए 4 के सर्कल में कलर करेंगे। बिफोर 4, 4 से पहले क्या आता है? 4? नो, 4 से पहले क्या आता है? 3, इसलिए 3 के सर्कल में कलर करेंगे। बिफोर 6, 6 से पहले क्या आता है? 5 या 3? जी 5 आता है, इसलिए 5 के सर्कल में कलर करेंगे। बिफोर 8, 8 से पहले क्या आता है? 7 या 8? 7, 7 के सर्कल में कलर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कलर करें, आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमने बिफोर के सर्कल्स में कलर किए थे, इसी तरह से आप आफ्टर के सर्कल्स में भी कलर करेंगे। कलर द व्हील ऑफ करेक्ट नंबर दैट कम्स आफ्टर, बाद में आने वाले नंबर्स के सर्कल में हमने कलर करना है। जैसे कि ये पहला आपके लिए किया गया है। आफ्टर 4, 4 के बाद क्या आता है? 5 या 3? 5 आता है, इसलिए 5 के सर्कल में कलर किया गया है। आफ्टर 6, 6 के बाद क्या आता है? 7 या 6? जी 7 आता है, इसलिए 7 के सर्कल में कलर करेंगे।
आफ्टर एट, एट के बाद क्या आता है, सेवन या नाइन, नाइन, नाइन के सर्कल में कलर करेंगे। आफ्टर टू, टू के बाद क्या आता है, फोर या थ्री, थ्री, थ्री के सर्कल में कलर करेंगे। इसी तरह आफ्टर थ्री, थ्री के बाद क्या आता है, फाइव या फोर, थ्री के बाद क्या आता है, फोर, फोर के सर्कल में कलर करेंगे। आफ्टर फाइव, फाइव के बाद क्या आता है, फाइव या सिक्स, सिक्स आता है, इसलिए सिक्स के सर्कल में भी कलर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपने कलर बहुत ही अच्छे से करने हैं, कलर्स को बाहर नहीं निकालना है, जिस तरह से आपके लिए पहले से किया गया है बिल्कुल इसी तरह से आपने कलर करना है। और याद रखिएगा, कलर्स आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आइए पेज नंबर 56 पे, व्हाट कम्स आफ्टर फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब आपने इसमें नंबर्स लिखने हैं जो कि बाद में आते हैं, जैसे कि पहला आपके लिए किया गया है 14 के बाद क्या आता है 15, इसलिए यहाँ पर 15 राइट किया गया है बॉक्स के अंदर। इसी तरह से 46 के बाद क्या आता है 47, तो इसके बॉक्स में 47 राइट करेंगे। इसी तरह यहाँ 77 है, 77 के बाद क्या आता है 78, तो यहाँ पर 78 जो है हम राइट करेंगे। इसी तरह से बाकी भी आपने सारे बॉक्सेस को फिल करना है। व्हाट कम्स बिफोर, पहले क्या आता है, फर्स्ट इज डन फॉर यू, पहला आपके लिए किया जा चुका है। 11 से पहले क्या आता है, 12 से पहले क्या आता है 11, तो आपने 12 से पहले जो आएगा 11 वो आपने इस बॉक्स के अंदर जो कि खाली है उसमें राइट करना है। इसी तरह से 49 से पहले जो आता है वो आपने यहाँ पर राइट करना है, जैसे 49 से पहले क्या आता है 48, तो हम इस बॉक्स में क्या राइट करेंगे 48 राइट करेंगे। 79, 79 से पहले क्या आता है 78, इसलिए यहाँ पर भी हम 78 राइट करेंगे। इसी तरह से 23 से पहले क्या आता है 22, जी हाँ 22 हम यहाँ पर खाली बॉक्स में राइट करेंगे। इसी तरह से आपने बाकी के सारे बॉक्सेस को फिल करना है। ये आपका होम टास्क है, इस पूरे पेज को आपने घर में बड़े ही नीट एंड क्लीन तरीके से राइट करना है, रेस बार बार नहीं करना है। अब आते हैं पेज नंबर 57 पर, लेसन 14, बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान, बिटवीन का वर्ड यूज़ करते हैं हम दरमियान के लिए। ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई विच नंबर कम्स बिटवीन टू नंबर्स, अब हमने उन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है जो दो नंबर्स के दरमियान में आते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कलरफुल पिक्चर है और इसमें आपको कुछ एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं। लुक, हु इज़ बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के दरमियान में कौन है, बिटवीन में कौन है, बी, जी। इसी तरह से विच नंबर इज बिटवीन थ्री एंड फाइव, जैसे हमने ऊपर अल्फाबेट्स को देखा था कौन सा दरमियान में आता है बी, इसी तरह से हम नंबर्स को भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर थ्री फोर फाइव, तीन नंबर आपको दिए गए हैं, तो हमने कौन सा नंबर फाइंड करना है, बिटवीन वाला यानी दरमियान वाला नंबर। थ्री और फाइव के दरमियान में क्या आ रहा है फोर, तो हम फोर राइट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 58, एक्सरसाइज, राइट द नंबर इन बिटवीन। अब हमने वो नंबर जिनके अंदर राइट करने हैं जो के दरमियान में आते हैं, जैसे कि फोर और सिक्स के दरमियान में क्या नंबर आएगा, फोर के बाद क्या आता है फाइव, यानी हमने जो पहले बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फोर के बाद क्या आएगा फाइव, या हम यूँ भी देख सकते हैं सिक्स से पहले क्या आएगा फाइव, तो इस तरह से फोर और सिक्स के दरमियान में क्या नंबर आएगा फाइव। इसी तरह से 21 और 23 के दरमियान में क्या नंबर आएगा 22, 43 और 45 के दरमियान में क्या आएगा 44, 68 और 70 के दरमियान में क्या आएगा 68 के बाद क्या आएगा 69, 85 के बाद क्या आएगा 86,
86 यानी 86 वो नंबर है जो कि 85 और 87 के दरमियान में आएगा, यानी बिटवीन में आएगा। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने ये काम निहायत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इस बुक के ऊपर करना है और इसको कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि ये किसी भी वक्त आपसे चेक करने के लिए मंगवाई जा सकती है। थैंक यू।